इस साइड में पास्ता है, स्पैगेटी पास्ता, और ये इनका जो फेमस है फिलिपीन का चिकन अदोबो। थोड़ा सा लिया राइस है, चिकन अदोबो इनका जो फेमस। ये सैंडविच था, ये देखें ब्रांडी शॉप वगैरह हर तरह के ब्रांड के ड्रिंक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये वाइन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं अभी मनीला एयरपोर्ट पे आ गया था, मेरी आज फ्लाइट है मनीला से कुआलालंपुर की। तो सुबह का टाइम है और ये देखें टाइम अभी 8:45 होने वाले हैं। तो भूख भी लगी हुई है, ब्रेकफास्ट था तो मैं फिर लाउंज में आ गया था जो एयरलाइन का वीआईपी लाउंज होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो उसमें मैं आ गया था, ये टर्मिनल 3 में तीसरी फ्लोर पे है। मरहबा। ये देखें गाइस इनका ये मेन्यू, ये टोस्ट वगैरह हैं, उसके बाद ये इन्होंने सैंडविच वगैरह बनाए हुए हैं, ये सैलड है और ब्राउनी, मैक्रोन्स, जैम्स, ये काफ़ी सा सामान पड़ा हुआ है। और इस साइड पे बिस्किट वगैरह है, जूस, ये देखें बिस्किट्स और पीनट्स, और ये शराब मराब भी पड़ी हुई है। इस साइड में पास्ता है, स्पैगेटी पास्ता, और ये इनका जो फेमस है फिलिपीन का चिकन अदोबो। और ये इन्होंने चिल्ली कॉर्न कार्नी प्राइस है, और इसमें राइस होंगे, इसमें जितने राइस हैं। और ये चिकन पाऊंगी, स्पाइस वगैरह हैं डालनी है आपने। और इसमें देखें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो इतना बड़ा लाउंज नहीं है, बहरहाल इसमें बैठ के 2-3 घंटे गुजारते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो ये टर्मिनल 3 में है, 3rd फ्लोर पे। तो आए इंजॉय करते हैं, कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं। देखें इधर लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। और इसकी जो सराउंडिंग आपको दिखाऊं तो इसके बाहर वो देखें प्लेन खड़ा है। वो जो सामने आपको प्लेन नज़र आ रहे हैं वो टर्मिनल 1 के हैं। एक्चुअली ये मेरा जो टर्मिनल 3 है वो ऑपोजिट में टर्मिनल 1 है, मनीला मेन इनका जो था फिलिपीन एयर का। तो गाइस ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा लिया है राइस है, चिकन अदोबो इनका जो फेमस। ये सैंडविच था, सैंडविच, और ये स्नैकर्स को जैम लगाया, ये मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद ये कुछ केक है और ये स्प्राइट। तो इंजॉय करते हैं और सामने देखें प्लेन्स का जुर्मन लग गया, तो बड़ा अच्छा व्यू है इधर से। खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले दे, मैं दो लाइना नी मैं डाकू। अभी सुबह के 9:05 हुए हैं और फ्लाइट है 1 बजे। तो इधर 2-3 घंटे गुजारते हैं, फिर बाहर से भी आपको नज़ारा कराता हूँ।
ये बड़ा यम बना आपके लिए। इसको मैंने स्नैकर्स को ना जैम लगाया, इसको मैंगो जैम। ये चावलों की स्मेल इस तरह की जिस तरह पाकिस्तान में नहीं होते वो जर्दे वाले राइस, लेकिन ये फीके हैं, लेकिन इनकी जो थोड़ी सी स्मेल आ रही थी जर्दे वाले, मैंने कहा शायद जर्दा पकाया। बस राइस आई है सादे और रंग कलर डाला हुआ इन्होंने जर्दा रंग। ये देखें चिकन बाबू के साथ बहुत मज़ेदार। टेस्टी है। मेरे साथ वो बच्चे हैं, फैमिली हैं उनकी, को काफ़ी वो शोर कर रहे हैं बच्चे, आपको पता हर जगह शोर करते हैं, सेम है किसी भी कंट्री में जाए बच्चे बच्चे ही। मैंने काफ़ी लॉन्ग में जो है खाना खाया, लेकिन ये लॉन्ज थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं कि रेटिंग वाइज 10 में से 10 ओवर 6 सबसे बेस्ट लॉन्ज है वो हांगकॉन्ग में है प्लाजा प्रीमियम, वो लॉन्ज मैंने बहुत यूज़ किया, उसका खाना सबसे ज़बरदस्त था, वैरायटी बहुत ज़्यादा। इस लॉन्ज में आपने देखा है कि वैरायटी बहुत कम है, मैंने उनसे पूछा है कि लंच का मेन्यू क्या यही है, तो उसने कहा हाँ ये होल डे मेन्यू है ना, इसका मतलब है कि हालांकि उधर वो चेंज करते रहते हैं लंच, लंच का और है, डिनर का और है, मॉर्निंग का और होता है, हम लोग के हिसाब से मैंने अपने सिस्टम बनाया हुआ है। बार मुझे माथे लगा, फिर भी ठीक है, खाना खा लेंगे इधर से, फिर ट्रेन का जो आपको पता ही है खाना किस तरह का होता है, तो ये खाना खाते हैं, उसके बाद काफ़ी काफ़ी पीते हैं, तो हम जाके मलेशिया में थोड़ा सा हला बुला करेंगे। खाना
खाने जो है ना मलेशिया के बहुत मजेदार है। प्लेन से मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखें मैंने ये खाना सारा खा लिया था अभी और मैं फुल हो गया हूँ, तो बड़ा मज़ा आया था। चिकन अदोबो जो है वो बहुत ही टेस्टी था एक्चुअली, मेरे जो थिंकिंग थी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी था। और सेम हमारा जो चिकन पाकिस्तान में जो हम बनाते हैं घरों में उसका टेस्ट और उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया है और फुल हूँ। अब मैं काफ़ी बनाता हूँ और ये जो केक मैंने लिया था स्पंज केक, इसको खाते हैं कॉफ़ी के साथ और मज़ीद जो है और कुछ देखते हैं, कुछ चीज़ अगर कोई आ गई लाउंज से है तो वो भी इसको भी थोड़ा सा खाते हैं। पीनट्स वगैरह यूज़ करता हूँ साथ। तो गाइस मैंने अभी काफ़ी बनवाई थी लाउंज वालों से, तो एक्चुअली सिर्फ इनके पास ब्लैक कॉफ़ी थी, तो मैंने मेरे पास मिक्स कॉफ़ी होती है, मैंने उस मोहतरमा को दी और मैंने कहा यार ये मुझे बना दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। तो ये जो आपको कुकीज़ दिखाए थे आगे, मैंने यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी है, मैं तो 5-6 खा चुका हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। ये असल में कोकोनट कुकीज़ हैं और ये ब्राउनीज टाइप बने हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार है और मेरे ख्याल ये मेरा 7वां पीस है। बार मज़ा आ गया है खाने का और बेहतरीन था। रेटिंग तो इसको मैं 6 ही दूंगा, 10/6, बट गुजारा हो गया। आपने अगर बाहर से खाना है तो बेहतर है लाउंज में आकर खा लें। और लाउंज एसेस के बारे में भी मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट बताऊंगा कि लाउंज एसेस आप किस तरह कर सकते हैं, तो वो एक डिटेल्स में वीडियो बनेगी क्योंकि उसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको फिर वीडियो में बताऊँगा और वो कार्ड भी आपको शो कराऊँगा किस कार्ड के थ्रू आप लाउंज एसेस ले सकते हैं। वैसे मेरा ये जो लाउंज एसेस है ये मैं trip.com का डायमंड मेंबर हूँ और ये trip.com के जो डायमंड मेंबर हैं उनको साल में 2 मरतबा लाउंज फ्री एसेस होता है, तो ये मुझे trip.com की तरफ से फ्री एसेस एक्चुअली, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ इसको भी। तो आप भी trip.com में आईडी बना के, तो लेकिन उसके लिए आपको ना डायमंड के लिए कम से कम 8 बुकिंग्स आपको साल में करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर वो आपका केस चेक करते हैं कि आपको उन्होंने डायमंड देना है कि नहीं देना। मैं तकरीबन 6-7 साल से डायमंड मेंबर हूँ trip.com का, तो ये बहुत अच्छी साइट है, मैं टिकट्स वगैरह सारी इधर इससे ही बनाता हूँ एक्चुअली, होटल बुकिंग भी इससे ही करता हूँ। गाइस ये दूसरा साइड है उस लाउंज की, मरवा लाउंज की, तो इधर आप देख सकते हैं पानी गर्म करने के लिए उन्होंने रखा हुआ, ये काफ़ी मेरा पड़ी हुई है और इसमें आप अपनी मर्जी की काफ़ी बना सकते हैं, लेकिन लाते दो तरह के सैलड, ये योगर्ट रखा हुआ उन्होंने इधर, और ये ब्रेड है, जैम वगैरह, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, इधर ये डिशेज हैं इनकी पास्ता, चिकन
पॉपकॉर्न और बबू, और ये राइस है। फिर ये ड्रिंक्स वगैरह, कोला वगैरह, मैंगो मैंगो जूस, ये देखें ब्रांडी शराब वगैरह, इसमें हर तरह के ब्रांड के ड्रिंक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये वाइन, ये सैलड, ये कुकीज़ वगैरह जो मेरी फेवरेट हैं, आपको पता ही है। इधर सैंडविच वगैरह इन्होंने बना के रखे हैं, तो बड़ा अच्छा। ये इस साइड पे अभी खुला था थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा इसका भी आपको व्यू दिखाऊं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा लाउंज है एक्चुअली ये भी, लाजमी विज़िट करें इधर भी अगर आप मनीला आएँ तो इस लाउंज में, मरहबा लाउंज में लाजमी विज़िट करें। गाइस ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं इस साइड को, और उस साइड पे मैं सुबह बैठा हुआ था, तो अभी मैं इधर आके बैठ गया था, तो ये मैं खा रहा हूँ अभी। देखें खा खा के तो पेट फुल हो गया।